ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव जाति की सांस है पेड़, मत तोड़ो सांसों से रिश्ता। नमस्कार, आज मैं श्रुति अंतवाल कक्षा 12वीं सह की छात्रा केंद्र क्रमांक 1 रुड़की से उत्तराखंड की ही बेटी, उत्तराखंड की ही एक महान बेटी की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो एक प्रकृति प्रेमी थी। हाँ, आप सही समझे, मैं गौरा देवी जी की ही बात कर रही हूँ। गौरा देवी का जन्म 1925 में चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। उस समय की परंपराओं के अनुसार एक छोटी ही आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के पश्चात वह अपने गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। 1974 में सरकार द्वारा सड़क बनाए जाने हेतु 25,000 पेड़ काटने का ऐलान किया गया। इसका विरोध रेणी गांव की गौरा देवी द्वारा किया गया। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने गौरा देवी जी का सहयोग किया। अपनी बात पूरी ना होती देख अधिकारियों ने गांव के पुरुष वर्ग को वार्तालाप के लिए बुलाया। अधिकारियों की साजिश थी कि वार्तालाप के लिए जैसे ही पुरुष वर्ग आएगा, उसी समय ठेकेदार को भिजवाकर वहां के सारे पेड़ कटा लिए जाएंगे। परंतु प्रकृति प्रेमी गौरा देवी ने जैसे ही ठेकेदार ने पेड़ काटने शुरू किए, उसी समय पेड़ों पर चिपक कर इस कटान का विरोध किया और धीरे धीरे गांव के सभी व्यक्ति पेड़ों पर आकर चिपक गए और पेड़ों का संरक्षण करने लगे। इसी आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के तौर पर भी जानते हैं। अंतिम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गौरा देवी ने पढ़े लिखे ना होते हुए भी बहुत समय पूर्व ही पेड़ों का महत्व जान लिया था। हम सभी पढ़े लिखे होते हुए भी इसका महत्व जानते हुए भी इनका संरक्षण नहीं करते हैं, जबकि दूसरी ओर गौरा देवी द्वारा इनका संरक्षण भी किया गया और मुहिम भी चलाई गई, और वही मुहिम आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई गई। इसी के प्रतिफल हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस कहानी से प्रभावित होते हुए मैं एक संकल्प लेना चाहती हूँ और मैं आप सब से भी आशा करती हूँ कि आप यह संकल्प लेंगे कि हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाएंगे। यही गौरा देवी जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।